साथियों, हमारे लिए ये जियोपॉलिटिक्स का नहीं है, बल्कि संस्कारों का, वैल्यूज का विषय है। जिनको कहीं जगह नहीं मिली, उनको भारत ने अपने दिल और अपनी जमीन दोनों जगह स्थान दिया है। हमारे जाम साहब को आज भी पोलैंड में हर कोई दोबरे यानी गुड महाराजा के नाम से जानता है। भारत एज ओवरऑल कंट्री, जितनी भी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर टू की फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया से सोल्जर गए, जो कि उस वक्त एक शेयर्ड टेरिटरी थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, सारे इंडियन लीडरशिप दुनिया में जहां जहां जाती है उसको वो क्लेम करती है कि देखिए जी, इंडिया जो है उसने वर्ल्ड वॉर टू में आपका सपोर्ट दिया और इंडियंस का खून शामिल है आपकी आजादी में। आप देखिए, जब हिस्ट्री में जाते हैं ना, आपको नजर आता है सिर्फ वर्ल्ड वॉर टू ही नहीं, दुनिया के बड़े, बल्कि मैंने इस वक्त की इंडिया की हिस्ट्री को मैंने देखा तो वो पता ये चला कि वहां पर पूरी दुनिया से लोग पानी के रास्ते भी वहां पर पहुंचते रहे और बहुत ज्यादा लोगों ने वहां पर रिफ्यूज हासिल किया, और इसलिए भी कि वो तरक्की चाहते थे। दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही है और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। अब आप ये चीजें क्लेम तब कर सकते हैं जब सबसे पहले आप तस्लीम करें कि हम जो है निसफ सदी पहले तक हिंदुस्तानी थे और आज भी उन मानों में हिंदुस्तानी है, क्योंकि महज नाम तब्दील कर देने से कि जी इस टेरिटोरी का नाम आज के बाद पाकिस्तान है, उससे जो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के पोलैंड दौरे पर हैं। बुधवार 21 अगस्त शाम 5:30 बजे पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में पहुंचे। उनका वहां जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में डांडिया की प्रस्तुति दी। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों के साथ हाथ मिलाया। वॉर्सो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपने यहां इतना शानदार स्वागत किया है, मैं आपका, पोलैंड की जनता का इस स्वागत के लिए बहुत आभारी हूं। बीते एक हफ्ते में भारत के मीडिया में आप भी लोग छाए हुए हैं। 45 साल बाद कोई पीएम पहली बार पोलैंड आया है। उन्होंने कहा कि आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। हमें गर्व है कि दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। साथियों, ये हमारे लिए जियोपॉलिटिक्स नहीं, संस्कारों का विषय है। जिनको दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली, उनको भारत ने अपने दिल और जमीन दोनों में जगह दी। पोलैंड भारत के इस सनातन भाव का साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे जाम साहब को पोलैंड में हर कोई गुड महाराजा के नाम से जानता है। जब वर्ल्ड वॉर 2 दौरान जब पोलैंड मुश्किलों में घिरा हुआ था, तब जाम साहब जी सामने आए थे। उन्होंने पोलैंड के बच्चों के लिए विशेष कैंप बनवाया था। जाम साहब ने कहा था कि जैसे जामनगर के लोग मुझे बापू कहते हैं, वैसे ही मैं आपका भी बापू हूँ। सब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था जिससे मैं चाह रहा था कि आपसे उस इश्यू पे बात की जाए कि भारत एज ओवरऑल कंट्री, जितनी भी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 की फॉर एग्जांपल जो इंडिया से सोल्जर गए, जो कि उस वक्त एक शेयर्ड टेरिटरी थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, सारे इंडियन लीडरशिप दुनिया में जहां जहां जाती है उसको वो क्लेम करती है कि देखिए जी, इंडिया जो है उसने वर्ल्ड वॉर 2 में आपका सपोर्ट दिया और इंडियंस का खून शामिल है आपकी आजादी में। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त भारत के वजीर आजम पोलैंड में आए तो वहां पे ये बताया जा रहा है कि जो पोलिश कुछ 5-6 हजार लोग थे उस वक्त भागे और वो इंडिया आ गए जमनागर में, और इंडिया उस जो शेयर्ड हिस्ट्री है जो तमाम ममालिक की जो बाद में आजाद हुए उसको अकेले क्लेम करता है, जबकि ये देखने में आया कि सिर्फ जो हिंदू और सिख जो सोल्जर्स हैं उनकी ज्यादातर वो बात करता है, जो मुसलमान सोल्जर्स थे उस शेयर्ड हिस्ट्री से उनका कहीं पे कोई जिक्र कभी नहीं आया, और पाकिस्तान को तो मैंने कभी बात करते भी नहीं देखा हुआ इस हवाले से। यानी जो है वो दुनिया में वाहिद काम है जो अपने माजी पे शर्मिंदा है और अपने माजी को डिनाई करती है, अपने विरसे को, अपनी तारीख को, अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी सक्सेस को, अपने फेलियर को कट लगाती है एक डेट पे आके जो 14 अगस्त 1947 है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ये जो है वो इंडिया क्लेम करता है वो सिर्फ हिंदू या सिखों का नाम लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे नोटिस में ये कभी नहीं आया। वो अगर बात करते हैं
तो इंडियंस की करते हैं कि इस फ्रंट पे इंडियन लोग जो हैं, हिंदुस्तानी लोग जो है वो मारे गए। अब इसमें दो तीन चीज़ें जो है ना वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात ये है जनाब के आप जो है एक वक्त में केक खा भी लें और उसको रख भी लें, ये ऐसा कोई तरीका दुनिया में आज तक ईजाद नहीं हुआ, अनलेस के आपने अपनी प्लेट में कोई जाली केक रखा हो तसव्वुराती किस्म का। अब या आप अपने आप को तस्लीम करें कि आप आज से 70 साल पहले इंडियन थे और आपकी जो एक्टिविटीज़ थी, आपके जो कामकाज थे, आपकी जो अचीवमेंट्स थी, फेलियर्स थे, वो भी इंडियन के तौर पे थे, यानी उसमें आप इंडियननेस को अपने अंदर सबसे पहले तस्लीम करेंगे तो फिर आप अपनी लेगेसी या अपनी कोई विरसा है तो उसके पीछे कोई क्लेम करेंगे। अब हकीकत बिल्कुल आपने दुरुस्त पॉइंट आउट की है, दूसरी जंग अजीम में बहुत बड़ी तादाद में जो है जो लोग गए शहीद हुए उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मुसलमान भी शामिल थे। खुद मेरे अपने फैमिली जो है, मेरे दादा और उनके भाई दोनों, वो जो है साउथ ईस्ट एशिया की इसमें हांगकांग और सिंगापुर वगैरह में उनकी शहादत हुई। दूसरी और भर्तियों के लिए जिन लोगों को ज़्यादा, जिन लोगों ने एक्टिव रोल प्ले किया, वो मुसलमान जागीरदार, मुसलमान नंबरदार, मुसलमान जेलदार और इस तरह के लोग थे। और सबसे ज़्यादा इसमें जो रिक्रूटमेंट हुई है वो जिसको आप ये मार्शल ट्राइब्स कहते हैं, यानी ये नॉर्थ पंजाब के इलाके जिसमें के जो है वो ये सारे इलाके शामिल हैं, इससे बड़ी तादाद में लोग गए। तो इसको इंडिया, तो कोई तारीख दान या सियासतदान इसको अलग कर ही नहीं सकता कि ये इंडियन था या ये सिख था या ये पंजाबी था या ये था, लेकिन प्री डोमिनेटिंग जो है वो पंजाबी लोग इसमें उनने शिरकत की, तो मुमकिन है इस वजह से वो ज़्यादा नज़र आते हों, यादगारें उनकी ये ज़्यादा मेंशन होते हों, क्योंकि बड़ी तादाद, ज़्यादा तादाद इन्हीं लोगों की थी। कि पाकिस्तानी काम के साथ ट्रेजेडी ये हुई कि पार्टीशन के फौरन बाद सबसे पहले जो है वो जो काम किया पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ने और पाकिस्तान का जो दरबारी दानश्वर था, और इसको आप नोट करें, दरबारी दानश्वर से मराद जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट और प्रो एलीट जो आपका राइटर था, आपका कहानी नवीज था, आपका जो है एनालिस्ट था, उसने जो है वो सबसे पहले ये कहा कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत के साथ किसी किस्म की कोई मुबासलत, कोई वाबस्तगी जो है उसको काटो, ताकि हम अपनी जस्टिफिकेशन दे सकें कि हम अलग क्यों हुए। हालांकि ये जस्टिफिकेशन आज तक भी पूरे तरीके से ना किसी ने दी ना किसी ने एक्सेप्ट की। आज भी आप किसी ओपन फोरम पे बैठ के इस पे आप बात करना शुरू कर देंगे तो आपको 20 लोग मिलेंगे जो इसकी हमायत में और 20 इसकी मुखालफत में होंगे, यानी ये अब भी इसके अंदर से जो कंट्रोवर्सी है वो निकली नहीं, लेकिन आपने पूरी कुव्वत से निकालने की कोशिश की। और मैं ये समझता हूँ कि सिंगल जो ट्रेजेडी हुई है कल्चरल फ्रंट पे और इनहेरिटेंस के हवाले से, जो विरसे के हवाले से सारी, तो वो जो है वो इस सतह पे हुई है कि अपने आप को एक अलग काम बना के पेश करने की कोशिश में आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो हिस्ट्री का कत्लेआम किया, अपने माजी से अपने बच्चों को शर्मिंदा किया। अब आप ये देखें कि हर वो चीज़ जिसको ऑन किया जाना चाहिए था उसको आपने डिसऑन किया।